दोस्तों बड़ा अजीब लगता है जब हम किसी को जानते नहीं, उससे मिले नहीं हो, और उसके लिए हमारे आंखों से आंसू निकलना, जिससे हम कभी मिले नहीं उसके लिए रोना थोड़ा अजीब है। लेकिन जिस तरह के किरदार इन दोनों अभिनेताओं ने हमारे पर्दे पर, बॉलीवुड पर, पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि जैसे हम इनसे कभी मिले ना हो। इनकी एक्टिंग को देखकर हमेशा हमें लगा है जैसे हमने इन्हें अपने सामने पाया, इन्हें महसूस किया है। इरफान खान की जब भी मेरा दिल उदास होता है, इरफान खान साहब की मूवी हिंदी मीडियम देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है, और कारवां देखकर वो पूरे परिवार के साथ हंसना मुझे आज भी याद है। बॉबी फिल्म ऋषि कपूर साहब की, जिसके लिए हमारे फैमिली में झगड़े हुआ करते थे, और अंताक्षरी का वो गाना आज तक उस जमाने से लेकर आज तक जब भी कभी अंताक्षरी हुई है वो गाना हमेशा गाया गया है और हमेशा उस गाने को रिपीट किया गया है। और इन दोनों की जो अहमियत है बॉलीवुड में, ये भी हम सभी जानते हैं। जिस तरह इरफान खान साहब के लास्ट शब्द थे कि अम्मा हैज कम टू टेक मी, पिछले चार दिन पहले ही उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ जयपुर में, और चार दिन बाद उनका खुद का। वो अपनी वालिदा के इंतकाल में लास्ट वक्त पर भी नहीं पहुंच पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ, आप जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन है और उनकी भी कुछ तबीयत नासाज थी। आज ऋषि कपूर साहब को भी हमने खो दिया। दोनों के लिए यूं होना जरूरी था क्या? यूं होना जरूरी था क्या? पाके तुझे खोना जरूरी था क्या? यूं होना जरूरी था क्या? पाके तुझे खोना जरूरी था क्या? किस्मत को कहूं या वक्त को, किस्मत को कहूं या वक्त को, तेरा मुझसे जुदा होना जरूरी था। उस रात मैं रात भर सोया नहीं, उस रात मैं रात भर सोया नहीं, तेरा दुनिया छोड़कर जाना जरूरी था। अब दोबारा शायद कभी मिलेंगे नहीं, अब दोबारा शायद हम कभी मिलेंगे नहीं, हमारे दिलों को शिकस्त होना जरूरी था क्या? यूं होना जरूरी था क्या? यूं होना जरूरी था। दोस्तों आज हिंदुस्तान ने ऐसी शख्सियत को खोया है, इरफान खान, ऋषि कपूर, दो ऐसी शख्सियत जो बॉलीवुड की जान थे, देश की पहचान थे। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत कुछ खोया है। इरफान खान साहब के बारे में अगर बात करूं तो कोई पैमाना कहे है, कोई मैखाना कहे है, कोई पैमाना कहे है, कोई मैखाना कहे है, दुनिया तेरी आंखों को क्या क्या न कहे है। यही किरदार ऋषि कपूर साहब का, कि इश्क आपसे है, इश्क आपसे ही रहेगा, अब वो नायाब नगीना हो जो न आया था न आएगा। दोस्तों एक बात का एहसास होता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वक्त और जिंदगी कब अपना नया रुख मोड़ ले कोई भरोसा नहीं। इससे पहले कि हमारे हाथ से वो वक्त निकल जाए, हम जिन रिश्तों की, जिन अपने चाहने वालों की बेफिक्री में है, ये भूल चुके हैं कि वो कौन है। कभी कभी इतनी नाराजगी कि हम उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलना नहीं चाहते, उन्हें वक्त नहीं देते। याद रहे दोस्तों, वक्त एक ऐसी चीज है जो दोबारा वक्त नहीं देता। अभी वक्त है, वक्त के साथ
खुद को और अपने चाहने वालों को अपने साथ उन्हें वक्त दे दो। उन्हें सिर्फ आपके वक्त की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं कि काश मैंने थोड़ा सा वक्त उसको दिया होता। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ये कब अपना रुख मोड़ ले। अभी वक्त है कि हम खोल दें उन गांठों को जो हमने बांधी हुई है अपने रिश्तों को, खोल दें उस ताले को जो हमने बांधा हुआ है रिश्तों के घरों में। इन सब चीजों से एक चीज जरूर समझ में आती है कि 2020 ने हमें इतना तो सिखा दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब ये कैसे पलट जाए। इन दोनों अदाकारों की अदाकारी हम कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह एक बड़ी बीमारी से निकलने के बाद, एक बड़ा एक्सीडेंट झेलने के बाद, या यूं कहो कि मौत को पास से देखने के बाद उस शख्स को एहसास होता है जिंदगी का, कि जिंदगी की क्या अहमियत है, इसी तरह आपकी अहमियत हम कभी नहीं भूलेंगे। आप दोनों की अहमियत वो है जो कभी हिंदुस्तान की आवाम के दिलों से निकलेगी नहीं। आज पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, दिल रो रहा है, और आपको अलविदा कहने का मन नहीं है, और अलविदा आपको मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि एक आर्टिस्ट कभी मरता नहीं। वो जिंदा रहता है लोगों के दिलों में, वो जिंदा रहता है लोगों के लबों पे। उसकी बातें, उसके कहे हुए अल्फाज वो कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं और एक इतिहास बनाते हैं, और ये इतिहास हमेशा अपने पन्नों को दोहराता है। दोस्तों, इन दोनों ही आर्टिस्ट के जाने से जो दुख बॉलीवुड को हुआ है, वही दुख पूरे हिंदुस्तान को हुआ है, और इस दुख को मैं कम नहीं कर सकता। बस मैं इतना कह सकता हूं कि ये वक्त है कि आप खुद को और अपने चाहने वालों को वक्त दें। ऐसा ना हो कि वक्त आपके हाथ से वक्त को छीन ले, क्योंकि वक्त किसी को दोबारा वक्त नहीं देता। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाल सॉल्यूशंस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए।